सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के कारण पिछले कुछ दिनों से किसान इसे बेचने की बजाय भंडारण पर जोर दे रहे हैं, लेकिन शनिवार को इसकी आवक में अचानक बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि सोमवार से लातूर की मंडी भी दिवाली के चलते 5 दिन के लिए बंद रहेगी। दिवाली की वजह से शनिवार को सोयाबीन की आवक बढ़ने की उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी। महाराष्ट्र की कई मंडियों में इन दिनों इसकी कीमत MSP से भी नीचे चली गई है। किसान ज़्यादा माल बेचकर दिवाली के लिए पैसा इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। दिवाली के कारण बाजार समितियां बंद रहेंगी। विपणन निदेशालय के नियम अनुसार मंडी समितियां केवल 3 दिन के लिए बंद की जा सकती हैं, लेकिन कई जगहों पर व्यापारियों ने सब समिति से बाजार समितियों को 5 से 8-10 दिन तक बंद करने का फैसला किया है। इसलिए बाजार में उपज की आवक में तेजी देखी गई थी। लातूर बाजार समिति सोमवार से 5 दिन के लिए कारोबार बंद रखेगी, इसलिए शनिवार को सोयाबीन की 35,000 बोरियां मंडी में आई थी। खराब सोयाबीन को किसान पहले ही बेच चुके हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले सोयाबीन की कीमत 5150 रुपये में बेच रहे हैं, जो कि किसान अब स्टॉक करने का मन बना रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के किसानों को पहले प्रकृति ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया और अब कम दाम की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सोयाबीन उत्पादकों को इस साल बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। सीजन की शुरुआत में किसानों ने खराब सोयाबीन और नमी की मात्रा के कारण सोयाबीन के भंडारण के बजाय बिक्री पर जोर दिया था। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि अब सोयाबीन के दाम में शायद ही बढ़ोतरी होगी, जिसका हम अब इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए दीपावली के त्यौहार में सोयाबीन की बिक्री कर रहे हैं। हालांकि इसमें उन्हें कोई मुनाफा नहीं होगा। सोयाबीन का दाम इतना गिर गया है कि किसानों को लागत ही निकल जाए वही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।